यूपी एचएनएम रेजिमेंट 2021-22 नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश की ओर से लैब टेक्नीशियन समेत कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गई है। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह बहुत अच्छा मौका है। यूपी नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार राज्य में कुल 2,980 पदों पर भर्ती की जाएगी। NHMUP द्वारा जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि यह भर्ती संविदा के आधार पर की जानी है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 दिसंबर 2021 से शुरू हो गई है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 7 जनवरी 2022 तक का समय दिया गया है। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन मोड में आयोजित किए जाएंगे। ऐसे उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट upnrhm.gov.in पर जाना होगा, जो आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। इन पदों के लिए अभी परीक्षा की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। इन पदों पर होगी भर्तियां: लैब टेक्नीशियन ब्लड सेल 170 पद, लैब टेक्नीशियन कम्युनिटी प्रोसेस 1,665 पद, लैब टेक्नीशियन NCD 228 पद, लैब टेक्नीशियन नेशनल प्रोग्राम 193 पद, सीनियर लैब टेक्नीशियन नेशनल प्रोग्राम 48 पद, लैब टेक्नीशियन UHC 181 पद, सीनियर ट्रीटमेंट STS 293 पद, STLS 202 पद। आप इस फॉर्म को हमारे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर भर भी सकते हैं। इसमें जो योग्यता मांगी गई है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, लैब टेक्नीशियन के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को मेडिकल लैब टेक्नीशियन में डिग्री, डिप्लोमा और कम से कम 6 महीने लैब में रक्त जांच का अनुभव होना चाहिए। वहीं डिप्लोमा होने पर कम से कम 1 साल का अनुभव होना जरूरी है। लैब टेक्नीशियन CP के लिए उम्मीदवारों को 12वीं पास होने के साथ DMLT होना चाहिए। इसके अलावा सीनियर लैब टेक्नीशियन के लिए मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाई माइक्रोबायोलॉजी, जर्नल माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री आदि में भी किसी में MSc होना चाहिए। अन्य पदों पर योग्यता की जानकारी के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें जो आयु सीमा रखी गई है, वहाँ इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र 18 से अधिक और 40 से कम होनी चाहिए। वहीं इन पदों पर चयन प्रक्रिया कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा पर आधारित है, जिसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। इसके लिए उम्मीदवारों को 120 मिनट का समय दिया जाएगा।